ऑलराइट, ये आपकी drive.google.com है। जब अगर आपने अपना अपने यूजर अकाउंट पे आप जाएंगे, जो कि यहाँ पे आपका ये नजर आ रहा है, ठीक है, वैसे तो हमजा ने अपना बनाया हुआ है लेकिन आप अपना यूनिवर्सिटी का अकाउंट यूज करेंगे तो ये आपकी ना ड्राइव होगी। अभी तक आसपास पे यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ पे न्यू में जाएंगे और न्यू में चाहें तो गूगल पे इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। गूगल डॉक भी बना सकते हैं, एक्सेल शीट भी बना सकते हैं, स्लाइड भी बना सकते हैं और भी कुछ बहुत कुछ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें जो इस असाइनमेंट के लिए बनाना है वो है गूगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये गूगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। आपने पहला काम क्या करना है, आपने पहला काम ये करना है कि इसका नाम रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी है पीएफ असाइनमेंट नंबर वन, ओके, डैश आपने लिखना है रोल नंबर वन, रोल नंबर टू, ओके, ठीक है। कि जो भी आपका दो का ग्रुप है ये आपने इसे असाइनमेंट का नाम लिखना है, ठीक है। मैं आप तुम्हें मेरा मोबाइल दो। सो फॉर एग्जाम्पल हमजा क्या करता है, हमजा मेरा पार्टनर है, तो वह करता है ये शेयर में जाता है और शेयर पे जाके आप क्लिक करते हैं। ओहो, शेयर में जाते हैं, ओ भाई जा, क्या मसला है, हाँ कौन बोल रहा है यार, ये क्या है, ये दोबारा कनेक्ट हो रहा है, ये सेव भी नहीं हुआ जी। पीएफ असाइनमेंट नंबर वन, तो यहां पे शेयर आएगा और मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो लेट्स से हम यहां पर हसनैन को शेयर कर देते हैं और हसन को शेयर कर देते हैं। हसन, ये हसन डॉट मुश्तबा, डॉट मुश्तबा डॉट एसपी एट जीमेल डॉट कॉम, ठीक है। इधर जाके हम सेंड कर देते हैं और यहां मैं कुछ भी लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं प्रॉब्लम नंबर वन, ठीक है। यहां पे जाके नॉर्मल टेक्स्ट में गए, यहां पे जाके इसको हेडिंग वन कह दिया, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे ही एंटर मारेंगे तो क्या होगा, यहां पर ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। ये मैंने जो लिखा था इसको मैंने हेडिंग का नाम दिया था, ठीक है। इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप इसको यहां पर हेडिंग कहें, ठीक है। अच्छा, इसका वो एक चले इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आप देखें और लेट्स से यहां पे आप एक प्रॉब्लम नंबर टू कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी हम जाके हेडिंग वन कर देते हैं, ठीक है हसनैन, ठीक है। तुम कुछ नीचे लिखो और मैं यहां लिखता हूं, ओए क्या कर रहा है, ठीक है, क्या लिख रहे हो भाई तुम, तुम नीचे जाके लिखे, हाउ यू डूइंग, ठीक है। अच्छा, आई डोंट नो, यहां पे पहले ना चैट होती थी, अब पता नहीं चैट होती है नहीं होती, कमेंट्स होते हैं पहले तो उन्होंने यहां पे, किधर है, इधर है, नहीं ये कमेंट है, नहीं ये कुछ और है, नहीं ये कमेंट्स है, पता नहीं यहां पे कोई चैट शैट थी लेकिन वो आप खत्म हो गई। पहले तो आप यहां पर साथ साथ चैट भी कर सकते थे, बट खैर आप सो द थिंग इज के बट यू कैन डू इज यू कैन, ओए ये तुमने क्या कमेंट लिखा है ना, कमेंट नहीं, हाँ वो जो है ना ऐड हो जाएगा,
ये तो फिर बाद में कोई और आएगा तो उस पर नजर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं। तो खैर इस तरह से आप ये करेंगे, इधर आप बेशक आप टाइटल दे दें, यहां पर लिख दें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स असाइनमेंट नंबर वन, और यहां लिख दें बाय, और यहां पे जो भी लिखना है रोल नंबर वन एंड रोल नंबर टू, ठीक है। और इसको बेशक आप क्या कर दें, हेडिंग की जगह टाइटल कर दें, मिडल लाइन करना है तो यहां मिडल कर देंगे, ठीक है। ये भी आपने करना है तो आप इसको मिडल कर दें, ठीक है। और यहां पे आप जो भी सॉल्यूशन लिखना है लिख देते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया गूगल डॉक कैसे यूज करना है, फायदा क्या है? हाँ, एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कितने हैं इसमें? 13 प्रॉब्लम्स हैं और एक चौथा चौथा भी प्रॉब्लम है, तो टोटल 14 प्रॉब्लम्स हैं। सो वी एक्सपेक्ट के 7 ऑफ देम विल गोइंग टू बी रिटन बाय वन पर्सन एंड 7 कोई और लिखेगा। जो भी लिखेगा ये बात सुन लें, लिखना 7 एक बंदे के लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 7 दूसरे की, लेकिन चेक किसने किया है, ठीक है, दूसरा बंदा इसे चेक करेगा। यह नहीं होगा, आपकी एवेल्यूशन होगी, उस एवेल्यूशन में आपसे आपका सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपसे किसका सवाल पूछा जाएगा? आपके पार्टनर का सवाल पूछा जाएगा। यह बात समझ आई, ठीक है। और आपने पार्टनर के सवाल को पढ़ा है या नहीं, उस पर आपके मार्क्स लगेंगे। यह बात समझ आई। So make sure that every one of you have written it very nicely and you understood what the other person has written. Okay? इस assignment की जो deadline है वो Saturday. Okay? Saturday. कोशिश करें कि आप, हम ये भी कर सकते हैं कि हम Friday को शाम को एक और session रख लें। Friday को off है तो definitely session होगा, ठीक है, ठीक है। मैं आपको टाइम बता दूंगा कितने बजे आप लोगों ने आना है, आप लोगों ने आ जाना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सैटरडे को, सॉरी फ्राइडे को आपका सेशन होगा, डेफिनेटली होगा, मेरे को पहले बता दो, ठीक है, ठीक है। और मैं, हम मेरे ख्याल में आई विल गोइंग टू सेंड यू सम ईमेल, वो आपकी सारी एवेल्युएशन फ्राइडे को हुआ करेगी, ओके, ठीक है। All of evaluations will be on Friday. Okay? ठीक है? ठीक है? So, Friday is all mine. Okay? ठीक है? तो Friday को आप लोगों ने make sure करना कि आप लोग यहां पर available हों. जी. आपको पता लग जाएगा, don't worry. ठीक है? जब तक evaluation होगी नहीं, आपको समझ में नहीं आएगी. मैं 10 बार बता दूं. ठीक है? अच्छा बेटा, एक छोटी सी बात मैंने आपको कहनी है. वो ये कि ना, तुम्हारा नाम क्या है? अशारिफ। देखो, ये जो घर में रहने की आदत है ना, अगर ये आप ऑप्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ना करें। क्यों? अगर आप यूनिवर्सिटी में आके काम करना नहीं सीख रहे ना, तो फिर आप यूनिवर्सिटी का फायदा नहीं देख रहे ना। यूनिवर्सिटी ने कितने सारे रिसोर्सेज लगाए हैं आप लोगों को, दिए हैं आप लोगों को, एक एनवायरमेंट दिया है जिसमें वो हम चाहते हैं कि आप बैठे काम करें, ठीक है। लाइब्रेरी में बैठे हैं, हाँ, नेट चलता नहीं है यार, नेट का वैसे कोई ओवरऑल मसला चल रहा है, वैसे इतना बुरा नेट नहीं है, ठीक है, नेट चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ यार, तब तक अपना यूज कर लें, ठीक है। हाँ यार, डेटा शेटा भी इस्तेमाल कर लो, कुछ नहीं होता यार, ठीक है, ठीक है। सॉरी, आपको बता दें कि टाइम क्या है। वैसे तो मैं यूनिवर्सिटी में ही होता हूँ, सारा दिन यूनिवर्सिटी में होता हूँ, ठीक है। यू कैन, अच्छा आप लोगों का आज का एक काम है, क्लास जब खत्म होगी तो आप सब लोगों ने मेरे ऑफिस आना है और आपकी अटेंडेंस लगेगी वहां पे, ठीक है। आपने बारी बारी आना है, आप लोग अटेंडेंस पेज पड़ा होगा, वहां पर अटेंडेंस मार्क करनी है और चले जाना है, और अपनी अटेंडेंस मार्क करनी, ठीक है। आई विल गोइंग टू चेक कि कौन सी कितनी मार्क, ठीक है, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए मेरा ऑफिस कबाड़ खाना क्या है, ठीक है जी। सॉरी यार, खुद ही चूज कर लें, ठीक है। बेहतर तो ये था कि आप कल बना के जाते, ठीक है,
लेकिन ठीक है, आपको जैसे भी इजी लगे, मैं कुछ इम्पोज नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये कि मैंने आपको बस एक गल बात बताई थी कि काइंडली आप लोगों ने साथ नहीं बैठा, प्लीज ट्राई टू सिट। आपने हर बंदे ने कोशिश करनी है कि जिस बंदे के साथ आप कल बैठे थे उस बंदे के साथ आज ना बैठे, ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ जा रहा हूँ ना, बड़ी जरूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो मेरी ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है ना, वो ये है कि ना कि हम एक बड़ी छोटी सी कम्युनिटी है, ठीक है। हम तकरीबन 40-50 से करीब ज्यादा लोग नहीं है, ठीक है। आप सब लोगों को एक दूसरे का पता होना चाहिए, ठीक है। एक ना बात समझने की कोशिश करें, हर इंसान एक चैलेंजेस के साथ आता है, ठीक है। अगर आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो आपको 47-50 लोगों की अगर क्लास है तो आपको 50 लोगों के प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए, आपके उनके चैलेंजेस का पता होना चाहिए, ठीक है। एक बच्चा जिसको जो घर में किसी फैमिली की वजह से कुछ भी वजह से स्ट्रगल कर रहा है, हम सबको पता होना चाहिए, ठीक है, हमें कि हम उसकी हेल्प कर रही हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम इकट्ठे राइज नहीं होते तो कितना राइज कर लेंगे आप? इंडिविजुअल्स ना हमारे मुल्क में बड़े निकले और इंडिविजुअल्स से चीजें नहीं बनती। ये बता को आप बड़े बड़े तुरम खान भी आप बन जाए ना, अगर आप अकेले आप तुरम खान ही होंगे, कितना काम कर लेंगे आप, ठीक ना। लेकिन अगर आप एज ए यूनिट ऊपर नहीं उभरेंगे, आप एक दूसरे के अंदर कॉम्पिटिशन क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर आप ज्यादा सीख नहीं सकेंगे, ठीक है। सो वी रियली वॉन्ट कि आप सबसे सीखें, ठीक है, सबसे बातचीत करें यार, इंसानों की तरह बात करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को लुक डाउन मत करें, यार ये तो FSC वाला है, ये तो ICS वाला है, या ये तो फलाने वाला है। डोंट डू दिस, दिस इज रियली रिडिकुलस, ठीक है। जो भी किसी भी बैकग्राउंड से आपके साथ आके खड़ा हो गया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। एक बंदा जो कि आपसे बहुत पिछले बैकग्राउंड से था, वो आपके मुकाबले में खड़ा हो गया हुआ है आके, वो आपसे ज्यादा काबिल है। आप एक बड़े फाइन इंस्टीट्यूट से पढ़ पढ़ के यहां पर पहुंचे और वो उन सारों से नहीं पढ़ के आपके पास पहुंच गया है, तो आपको इज्जत करनी चाहिए उसकी, ना कि आप उसे लुक डाउन करें कि यार तुम तो यहां से आए हो। डोंट डू दैट, ओके। आई हैव फेस्ड दिस इन माई लाइफ, ओके। आई केम फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड, ठीक है, और मैं पूछे पहले एक साल तो सकता तो मुझसे किसी ने बात भी नहीं की थी, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, कि ये कहां से उठ के आ गया, जिसको अंग्रेजी बोलने नहीं आती, ठीक है। पूरे 4 साल मैं कभी प्रेजेंटेशन दे नहीं पाया था, क्योंकि जब मैं स्टेज पर जाता था तो लोग हंसते थे, ठीक है ना। आई यूज टू क्राई एवरी सिंगल टाइम जब भी मेरी प्रेजेंटेशन होती थी, बिकॉज पीपल यूज टू लाफ, ओके, ठीक है। बट आई नो नाउ कि मेरी जो स्ट्रगल है वो मेरी स्ट्रगल है, ठीक है। मैं जहां पर भी मैं गया हूं, आई वन बेस्ट टीचर अवार्ड एवरीवेयर, एवरी सिंगल ईयर, ठीक है। वाई? बिकॉज आई हैव सफर्ड थ्रू दिस। सो प्लीज बी हम्बल, बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन, ठीक है। स्पेंड टाइम विद ईच अदर, ये काफी, आपने एक दूसरे के साथ अगर टाइम नहीं बिताएंगे तो टाइम गुजर जाएगा, ये ऐसे गुजरेगा पता भी नहीं चलेगा, सीरियसली पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। वो जो आप आज आप आ रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपने एक दूसरे से नहीं सीखा, एक यूनिट की तरह ऊपर नहीं उभरे, तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। आपने बहुत, यानी जो हमने करिकुलम में चीजें सीखनी है ना, उससे ज्यादा चीजें आपने कल्चर बना के सीखनी, और कल्चर बेटा घर बैठ के नहीं बनता, कल्चर एक यूनिट बना के सीखा जाता है, ओके। स्पेंड टाइम एट यूनिवर्सिटी, यानी आपको यूनिवर्सिटी 9 बजे तक खुली है, ये लैब 9 बजे तक खुली है, आप लोगों के लिए खुली है, 5 मिनट के बाद जाकर होता नहीं है, 5 मिनट से लेकर 9 बजे तक आपको यहां होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी यूनिवर्सिटी है, आपको यहां पर होना चाहिए, आपको 9 बजे से पहले नहीं जाना चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील। और आप जो अच्छी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, MIT में जाएं, आप कॉर्नल में जाएं, आप ड्यूक में जाएं, भाई 24 घंटे कैंपस खुला है, 24 घंटे कैंपस खुला है, ठीक है। आई मीन, और लाइब्रेरीज खुली हैं, 24 घंटे लाइब्रेरी खुली है, सिर्फ सोने के लिए लोग घर जाते हैं बस, और कोई नहीं होता, क्योंकि वहीं पर कॉम्पिटिशन हो रहा है, और ऐसे ही होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऐसी ही जगह का नाम है,
कि जहां पर लोग आ गए बस अब वो जिंदगी अपनी बार बाकी भूल चुके हुए हैं। यानी ये कह रहे सर जी हमें और भी काम होते हैं। जी होते होंगे, अब आप यूनिवर्सिटी में आ गए, अब आपको यहीं पर रुकना चाहिए, ठीक है। तो काइंडली सब, और ये मैं विदाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बात कर रहा हूं, आपको यू शुड लर्न कि भाई मुझे टाइम यहां पर देना है और हर सूरत में देना है और हर एक दूसरे का ख्याल रखना है, ठीक है। ये बात सुनिए, आपकी जितनी भी क्लास फेलोज हैं, खवातीन भी हैं, सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है, ओके। कोई और आपको बड़े आए ओपन रखनी है कि आपको लगे कि यार ये हमारा जो क्लास फेलो ये परेशान हो रहा है, पैनिक हो रहा है, यू शुड टेल अस, ओके, ना कि हम बहुत देर हो जाए। ये कई चीजें होती हैं जो कि आपको पता होती हैं, एज ए स्टूडेंट पता यार ये बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, प्लीज हेल्प अस, हेल्प अस फाइंड आउट। ये जो हमारे तीन चार जो हमारे टीएज हैं और मैं हूं, आपको फौरन बताना है कि सर उस बच्चे को मसला हो रहा है, आपको उसकी बात समझनी है, ठीक है। एक मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो देखिए सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा किस बात पे आएगा, एंड आई विल बी आउट ऑफ कंट्रोल, आपको पहले बता दूं। अगर क्लास के अंदर कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है और हम में से कोई उस पर हंसा, तो एक बात याद रखना, मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा, नॉट इन ए फिजिकल सेंस बट इन ए लिटरल सेंस, ठीक है। मैं अगर एक चीज बर्दाश्त नहीं करता ना, वो ये कि किसी क्लास बच्चे का कोई मजाक उड़ाए, ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई भी बच्चा कितनी भी स्ट्रगल कर रहा है, वी हैव टू हेल्प, वी हैव टू लिसन, वी हैव टू रिस्पेक्ट, ठीक है। कोई भी बच्चा कोई सवाल कर रहा है, लिसन के उसने क्या सवाल किया, क्योंकि अगर आपने सवाल को नहीं समझा तो यू शुड से कि मुझे सवाल समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आपने सुना ही नहीं है और मैंने आपसे पूछ लिया उसने सवाल क्या किया, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास, एंड आई रियली मीन इट। ये कोई सवाल कर रहा है तो आपने सुनना है कि वो क्या सवाल कर रहा है, ओके। क्योंकि मैं आपसे मल्टीपल टाइम पूछूंगा यार इसने क्या सवाल किया, कैन एनीबडी हेल्प मी आउट ऑफ दिस, ठीक है, ठीक है। कुछ ट्रेलर मैं आपको अभी दिखाता हूं, ओके, क्योंकि आपकी असाइनमेंट शुरू होने वाली है, ठीक है। लेट्स टेक 10 मिनट्स ब्रेक, 10 मिनट के बाद आप लोग आए, ठीक है, 10 मिनट के बाद आप लोग आए, ठीक है। आपने बाहर थोड़ा सा घूमना है, पानी पीना है, जो भी करना है आप करना है, 10 मिनट की ब्रेक। काइंडली 4:35 पे वापस आ जाइए।